गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस सेंट एंजल्स पब्लिक स्कूल बागपत, स्टैंडर्ड 10th, सब्जेक्ट SST, यूनिट हिस्ट्री, चैप्टर नंबर 2, नेशनलिज्म इन इंडिया। द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हैड ए ग्रेट इम्पैक्ट ऑन द इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। भारत में जो असहयोग आंदोलन चलाया गया उसका भारतीय कपड़ा उद्योग पर काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ा। स्वदेशी गुड स्पेशली क्लॉथ गॉट ए ग्रेट इम्पेटस। स्वदेशी सामान खास तौर से भारत में बनने वाला जो कपड़ा था उसे काफ़ी इससे लाभ पहुँचा। फॉरेन गुड्स वेयर बॉयकॉटेड, विदेशी सामानों का बहिष्कार किया गया। लिक्वर शॉप पिकेटेड, शराब बेचने वाली दुकानों को पिकेट किया गया। एंड फॉरेन क्लॉथ्स बर्नड इन ह्यूज बॉनफायर, और विदेशी कपड़ों को इकट्ठा करके उसमें आग लगाई गई। द इम्पोर्ट ऑफ फॉरेन क्लॉथ हाफ बिटवीन 1921 एंड 1922, इट्स वैल्यू ड्रॉपिंग फ्रॉम 102 करोड़ टू 57 करोड़। जब ये असहयोग आंदोलन देश में चला उस समय विदेशी कपड़े का आयात काफ़ी घट गया, लगभग आधा रह गया। एक समय 102 करोड़ का कपड़ा, विदेशी कपड़ा भारत में आया करता था, जो घटकर अब सिर्फ 57 करोड़ का रह गया। मर्चेंट एंड ट्रेडर रिफ्यूज टू ट्रेड इन फॉरेन गुड्स और फिनेंस फॉरेन ट्रेड। भारत के जो कारोबारी और व्यापारी थे उन्होंने विदेशी सामानों में व्यापार करना बंद कर दिया और विदेशी व्यापार में पैसा लगाना भी बंद कर दिया। एज द बॉयकॉट मूवमेंट स्प्रेड एंड पीपल बिगैन डिस्कार्डिंग इम्पोर्टिंग क्लॉथ्स एंड वेयरिंग ओनली इंडियन वन, डिमांड ऑफ इंडियन टेक्सटाइल मिल्स एंड हैंडलूम्स वेंट अप। जैसे जैसे आंदोलन आगे बढ़ा, भारत के लोगों ने विदेशी कपड़ा खरीदना बंद किया और उसके स्थान पर उन्होंने भारत में बनने वाला कपड़ा पहनना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से भारतीय कपड़ों की मांग बढ़ने लगी और भारतीय टेक्सटाइल मिलें और हैंडलूम्स की जो स्थिति है वो बेहतर होने लगी। द इंक्रीज इन डिमांड प्रोवाइडेड ए बिग रिलीफ एंड प्रिवेंटेड द वैनिशिंग ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। भारतीय कपड़े की जो मांग इंक्रीज हुई बड़ी, उससे भारतीय कपड़ा उद्योग को काफ़ी राहत मिली और जो भारतीय कपड़ा उद्योग समाप्त होने की कगार पर पहुंच चुका था उसे एक बार फिर से नया जीवन मिल गया। दो द मूवमेंट गॉट ए ग्रेट सक्सेस एट द इनिशियल स्टेज बट इट स्लोड डाउन फॉर ए वैरायटी ऑफ रीजन। शुरुआत में आंदोलन काफ़ी कामयाब रहा लेकिन आगे चल के धीरे धीरे ये आंदोलन धीमा पड़ने लगा और उसके बहुत सारे कारण हैं। खादी क्लॉथ वेयर वॉज ऑफन मोर एक्सपेंसिव दैन मास प्रोड्यूस मिल क्लॉथ एंड पुअर पीपल कुड नॉट अफोर्ड टू बाई इट। खादी का कपड़ा काफ़ी ज़्यादा महंगा हुआ करता था। जो कपड़ा मिलों में बनता था, बाहर से आता था, विदेशी कपड़ा था, उसके मुकाबले खादी का कपड़ा बहुत महंगा होता था। गरीब आदमी इस खादी के कपड़े को अफोर्ड नहीं कर सकता था। द बॉयकॉट ऑफ ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन पोस्ट ए प्रॉब्लम। देर वॉज नो अल्टरनेटिव इंडियन इंस्टीट्यूशन डेट कुड बी यूज इन प्लेस ऑफ ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन, सो द स्टूडेंट एंड टीचर हैड नो ऑप्शन एक्सेप्ट ज्वाइनिंग बैक टू गवर्नमेंट स्कूल एंड लॉयर्स ज्वाइंट बैक टू वर्क इन गवर्नमेंट कोर्ट्स। जो ब्रिटिश संस्थान बॉयकॉट किए गए, बहिष्कृत किए गए, उनका कोई दूसरा अल्टरनेटिव भारतीय संस्थान उपलब्ध नहीं थे, जिसकी वजह से बड़े पैमाने पर जिन बच्चों ने और अध्यापकों ने ब्रिटिश स्कूलों को छोड़ा था वो दोबारा से उनके साथ जुड़ने लगे। जो जिन वकीलों ने वकालत छोड़ी थी वो दोबारा से ब्रिटिश कोर्ट में जाकर वकालत करने लगे। रिबिलियन इन द कंट्री साइड। द मूवमेंट लेफ्ट अ डीप इम्पैक्ट ऑन द रूरल लाइफ इन द कंट्री साइड। द मूवमेंट वॉज लेड बाई पीसेंट ट्राइबल एंड बाई लोकल लीडर्स। ग्रामीण इलाकों में आंदोलन जिन्होंने लेड किया उसमें खास तौर से पीसेंट्स, ट्राइबल और लोकल लीडर शामिल थे। फॉर एग्जांपल, इन अवध इट वाज बाबा रामचंद्र सन्यासी। यहाँ पे एक उदाहरण दिया गया है, अवध के अंदर बाबा रामचंद्र जो एक सन्यासी थे उन्होंने इस आंदोलन को लेड किया, इसका नेतृत्व किया। हैड अर्लियर बीन टू फिजी एज एन इंडेंजर्ड लेबर। ये बाबा रामचंद्र एक इंडेंजर्ड लेबर थे, एक कॉन्ट्रैक्ट बेस पर भेजे गए मजदूर थे और इन्हें फिजी भेजा गया था। द मोमेंट हियर वॉज नॉट अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स बट अगेंस्ट तालुकदार एंड लैंडलॉर्ड्स। ग्रामीण इलाकों में जो आंदोलन था वो अंग्रेज़ों के विरुद्ध नहीं था बल्कि गांव के अंदर जो बड़े बड़े तालुकदार और ज़मींदार थे उनके विरुद्ध था।
द प्रॉब्लम ऑफ द रूरल पीपल वेर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ अर्बन पीपल। गांव के लोगों की जो समस्या थी वो शहर के लोगों की समस्याओं के से अलग थी। द तालुकदार एंड द लैंडलॉर्ड्स वेर डिमांडिंग वेरी हाई रेंट्स एंड वेराइटी ऑफ अदर टैक्सेस। गांव के अंदर जो बड़े बड़े ज़मींदार और तालुकदार थे ये आम किसानों से बहुत ज़्यादा लगान वसूला करते थे और उसके अलावा और भी बहुत सारे लगान इन लोगों पर लगाए हुए थे। पीसेंट हैड टू डू बेगार एंड वर्क एट द लैंडलॉर्ड फार्म विदाउट एनी पेमेंट। इसके अलावा ग्रामीण लोगों को इन बड़े बड़े ज़मींदारों के यहाँ पर खेतों पर बेगार करनी पड़ती थी, यानी कि वो इन ज़मींदारों के खेतों में काम करते थे और उस काम के बदले उन्हें कोई पैसा भी नहीं दिया जाता था। द पीसेंट हैड नो सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, दे वर रेगुलरली इविक्टेड सो डैट दे कुड एक्वायर नो सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर। इसके अलावा ग्रामीण लोगों के पास कोई भी टेन्योर को लेकर सुरक्षा नहीं थी। एंड द प्रॉब्लम ऑफ द पीपल वेर डिफरेंट, देयर डिमांड वेर ऑल्सो डिफरेंट। चूँकि लोगों की समस्याएँ अलग अलग थी तो उनकी जो मांगें हैं वो भी अलग अलग थी। द पीसेंट मूवमेंट डिमांडेड रिडक्शन ऑफ रेवेन्यू, उनकी जो खास मांगे हैं उसमें लगान में कमी की जाए, एबोलिशन ऑफ बेगार, बेगार को समाप्त किया जाए, रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड, ग्रामीण इलाकों में किसानों में ज़मीनों को दोबारा बांटा जाए, सोशल बॉयकॉट ऑफ ऑपरेसिव लैंडलॉर्ड। और जो ग्रामीण इलाकों में बड़े बड़े ज़मींदार हैं जो गांव के गरीब लोगों पर अत्याचार करते थे उनका सामाजिक बहिष्कार किया जाए। द मूवमेंट इन कंट्री साइड हैड ए डिफरेंट परस्पेक्टिव एंड इन मैनी प्लेसेस नाई धोबी बंद वेर ऑर्गेनाइज बाई पंचायत टू डिप्राइव लैंडलॉर्ड ऑफ देयर सर्विस ऑफ बार्बर, कॉबलर, वॉशरमैन एक्सेट्रा। तो कई जगहों पर नाई धोबी बंद देखने को मिले जो गांव की पंचायतों द्वारा ऑर्गेनाइज किए गए, जिनके तहत गांव के जो बड़े बड़े ज़मींदार हैं उनको जो सुविधाएँ हैं जैसे बार्बर की, बाल काटने वाले की, कॉबलर की या वॉशरमैन की, ये सब लोग इन बड़े बड़े ज़मींदारों को अपनी सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराएंगे। इवन नेशनल लीडर लाइक जवाहरलाल नेहरू वेंट टू अवध ए विलेज इन उत्तर प्रदेश टू नो द ग्रीवेंसेस ऑफ द पीपल। यहाँ तक कि कुछ बड़े नेता जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू वो खुद अवध में गए, ये एक उत्तर प्रदेश का गांव है, यहाँ पर जो लोग रहते थे उनकी समस्याओं को सुनने के लिए। By October, the Awadh Kisan Sabha were set up, headed by Pandit Jawaharlal Nehru, Baba Ramchandra, and a few others. और अक्टूबर तक अवध किसान सभाएं स्थापित होनी शुरू हो गई, जिनके हेड पंडित जवाहरलाल नेहरू, बाबा रामचंद्र और कुछ अन्य नेता थे। विद इन ए मंथ ओवर 300 ब्रांचेस हैड बीन सेट अप इन विलेज अराउंड द रीजन। और एक महीने के अंदर अंदर लगभग 300 शाखाएं इस अवध किसान सभा की आसपास के ग्रामीण इलाकों में स्थापित कर दी गई। सो व्हेन द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट बिगेन, द कांग्रेस लीडर वांटेड टू इंटीग्रेट द स्ट्रगल ऑफ द अवध पीसेंट विद द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट टू प्रोवाइड ए वाइड बेस टू द नेशनल मूवमेंट। इसलिए बाद में जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की शुरुआत हुई तो कांग्रेस के नेता चाहते थे कि जो अवध किसान हैं और जो ये सभाएँ बनाई गई हैं उनको नॉन कोऑपरेशन एसईओ आंदोलन के साथ जोड़ा जाए ताकि इस आंदोलन को और ज़्यादा बड़ा बनाया जा सके। एज द मूवमेंट स्प्रेड इन 1921, द हाउसेस ऑफ तालुकदार एंड मर्चेंट्स वेर अटैक। जैसे जैसे आंदोलन आगे बढ़ा 1921 में, गांव के अंदर जो बड़े बड़े तालुकदार हैं और जो बड़े बड़े व्यापारी थे उनके घरों पर हमले किए जाने लगे। द मूवमेंट टर्न्ड वायलेंट विच वॉज नॉट लाइक बाय सम ऑफ द कांग्रेस लीडर। ये आंदोलन धीरे धीरे हिंसा का रास्ता पकड़ रहा था और ये कुछ कांग्रेस के नेताओं को पसंद नहीं आया। मैनी बाजार्स वेर लूटेड एंड ग्रेन बोर्ड्स वेर टेकन ओवर। बहुत सारे बाजारों में लूटपाट की गई और जो ग्रेन के गोदाम थे उनको भी लूटा गया। इन मैनी प्लेसेस लोकल लीडर टोल्ड पीसेंट्स डैट गांधी जी हैड डिक्लेयर डैट नो टैक्सेस वेर टू बी पेड एंड लैंड वॉज टू बी रिडिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पीपल। कई जगहों पर जो लोकल नेता थे उन्होंने किसानों से कहा हुआ था कि गांधी जी ने ऐलान किया है कि कोई भी किसी को किसी भी तरह का लगान नहीं देगा और जो ज़मीनें हैं वो गरीब लोगों में दोबारा बांटी जाएंगी। द नेम ऑफ द
महात्मा वाज बीन इवोक टू सेंक्शन ऑल एक्शन एंड एस्पायरेशन। महात्मा गांधी का नाम इस्तेमाल किया जा रहा था लोकल लीडर्स द्वारा, जो भी वो ग्रामीण इलाकों में आम जनता से करा रहे थे या कह रहे थे, उसके पीछे गांधी जी का नाम इस्तेमाल किया जा रहा था। वी विल डिस्कस द चैप्टर फर्दर इन नेक्स्ट ऑनलाइन क्लास। टिल देन स्टे कनेक्टेड, हैव ए नाइस डे। थैंक यू।